हमारे घर कौन आया है वो खो। मैं अभी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। अब ये गलती तो करी थी, जानकारी प्राप्त करूंगा। दिन उल्टे ही चल रहे भाई। अब और क्या के घर ना जाऊं, तू बोल मत। हो दीपक बहुत प्यारा लगता है मेरे को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं तो आप लोग, उम्मीद करते हैं भाई सभी अच्छे होंगे। और भाई अपने थोड़े से व्लॉग डिले चल रहे हैं क्योंकि यार थोड़ा सा अपन एक शूट में और लगे हुए हैं। तो आज मीत की छुट्टी है, तो आज मीत यहीं पे ही, चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर कौन आया, यही तो भाई गाइस अभी चलते हैं बाहर। और आज मीत की छुट्टी है, देखते कितना उदम मचाता है। तो गाइस हमारे घर कौन आया है, वो खोटा आया है। हाँ भाई खोटा, क्या हाल चाल है? बढ़िया। और घर सब बढ़िया है? बढ़िया है सब। बहुत दिनों बाद आए। और चाचो बढ़िया? बढ़िया। चाची बढ़िया? बढ़िया। कैसे आना हुए आज भाई? बाइक लेने आया। बाइक ले, पंचर हो गई इसलिए बाइक। बाइक तो बेच दी हमने भाई। वाह, कैसे बेच? 8,000 में दी कर दी 14 की बाइक को हमने। तो गाइस मैं आपको एक बार बाइक दिखा। बाइक को 10 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हुए, और इसके पिछला टायर पंचर है और पंचर हो चुका था ये। और भाई यहाँ से है ना, मतलब किसी प्रोग्राम में गए थे तो गाड़ी लेके गए थे, तो बाइक खड़ी करके गए थे, बाइक हो गई पंचर। और पंचर के बाद ये 10 दिन हो गए इसको यहाँ पे खड़े खड़े। 10 दिनों के बाद बाइक का मालिक बाइक लेने के लिए आया, और हमने बाइक का कर दिया सौदा, जो कि हमने 8,000 में। हम आपको 5,000 दे सकते हैं, 3,000 हमारा कमीशन हो गया। मीट डेली फिटता था इस बाइक के कारण। आराम बेची है ये? कैसे बेची? तो सौदा कर आया उस तक कहीं ले जा, लोग लेने भी नहीं है। आप लोगों ने फोन नन्ना है, ये रोज ना पिटता फोन वगैरह। हाँ, इसके इसकी वजह से मीत की पिट्टी लग जाती थी कई बार। इस मीत की पिट्टी लगती थी इस बाइक की वजह से। तो मीत बताओ इनको, मोटरसाइकिल नहीं बेची? अरे बेच दी, वो तो मजाक कर। आप स्कूल गए थे तब बेच दी हमने। स्कूल चले गए तो उसके बाद बेच दी हमने ये। अब ये लेने आया, अब ये लेने आया खोटा। अब ये हमारे साथ लड़ाई कर रहे, अब ये कह रहा है मेरी बाइक को सही कर, मतलब मेरी बाइक। तो अब हम कैसे थे, खरीदने वाले को हमने पैसे में दे दी। अब मैं ये कह रहा हूँ 8,000 रूपए 8,000 में बेची, तो 5 आप ले जाओ, 3 हमारा कमीशन हो गया। ठीक है मीत, है तो आप समझाओ इसको इधर आ जाओ। समझाना तो आपको पड़ेगा, ये ऐसे कैसे बात बनेगी। गाइस देखो बात ऐसी है, हमने अब ये गलती तो करी थी, अब बेच दी तो बेच ही दी। बात जाएगी तो क्या होगा? चाचा तक बात जाएगी? जाएगी तो आएगी, लटक गए मगी कैसे। देखो अब ये तो बेच दी तो बेच ही दी भाई, अब तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता भाई। ऐसी बात है, बेचारा गरीब आदमी अपनी बाइक लेने आए तो मम्मी ने बाइक बिकवा दी भाई। भाई के पर बिकवाना दिन तुम्हारे पोत तो पीटे, 4 दिन और खड़े रहे, 10-11 दिन होएगा ने खड़े खड़े ने, 4 दिन मेरा सिर दर्द ही रहे। अब ये फिर वैसे भी खराब होगी। हां को कबाड़ा वालों मेरे को भाई मोटरसाइकिल खराब होगी थी ना खराब। सही करो, बेच दी तो सही करो। नया फोन ले आया? ओह माय गॉड, दिखा तो सही होगा। नई बाइक भी ले आएगा, क्या फायदा है पुरानी का। भाई गाइस नया फोन, तो व्लॉग व्लॉग बनाने शुरू कैसे, आप शुरुआत कैसे करेंगे? मेरी बात सुनो, आपको जैसे मैं जो भी सवाल उसका जवाब देना पड़ेगा, दे दोगे? ना लो आप तो मम्मी इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई ना नाई दोई। आज उधर देखो ना, मेरी साइड क्यों देख रहे हो? व्लॉगिंग के लिए शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट सेटअप 12,000। गाइस 12,000 में आप एक फोन लेके व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। हम किसी को ये बताना चाहें, आप नया फोन लेके व्लॉग यूट्यूब पे आ सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे बताओ एक बार? उसके लिए मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। मुझे पता नहीं है। आप एक बार अपने बारे में बताइए, कैमरामैन फोकस कीजिए, एक बार सर पे फोकस कीजिए। मेरा नाम मोहित है, मम्मी का नाम है मंजू देवी, और मेरे पापा का नाम है सुरेंद्र कुमार। मैं बिरामपुर का रहने वाला हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने सब्जेक्ट आर्ट ले रखी है। अब मैं ब्लॉग बनाने की शुरुआत करता हूँ। माला कहाँ से लिया है? माला गिर गई। स्टैंड भी अपने पापा का ही बना लिए। क्या कर रहे हो? मैं माला बना रहा हूँ। कहाँ पे गया था मीत बताओ? मंदिर पे। ध्वज यात्रा जा रही है खाटू श्याम जी की। देखो
देखण मजा आवा आजा आ रही है चल हेलो जी हेलो भाई। और थोड़े से घर में खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं ना और नुकसान फिर से, मतलब पता नहीं क्या बात है, कैसे दिन चल रहे, मतलब दिन उल्टे ही चल रहे भाई अपने तो। क्यों चल रहे हैं? पीछे आप देख रहे हो ना, वो पीछे फरमे पे डोरी रखी हुई है, यहाँ पे मोटर नहीं है और यहाँ पे ये पाइप पड़े हुए हैं। वापस से अभी एक सवा महीना हुआ था जो नई मोटर ला के अपन ने यहाँ डाली थी, आपने देखा था अपनी जो मोटर थी एक टूट के यहाँ गिर चुकी थी। उसके बाद अपन लेके आए थे नई मोटर, नई मोटर लेके आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सवा महीना हुआ है। सवा महीने में यार गाइज इस मोटर को आज वापस सुबह निकाला और सुबह से आज मैं इसी में लगा हुआ हूँ। उसके बाद अपन ने उधर जो है वहाँ फसल लगाई थी तो वहाँ फावली से खोदना क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर नहीं चल सकता, तो अपन मतलब दो तीन दिन होगा मेरे मेहनत में, बहुत ज़्यादा मेहनत में जा रहा है। और आज का दिन तो गाइस पूरा यहीं चला गया और यहाँ देखते कितना क्या नुकसान है। मिस्त्री आ गया, मोटर लेके जा चुका है और भाई इधर से ये मोटर का ऊपर का हिस्सा बचा है और इसका नीचे का हिस्सा मिस्त्री लेके गया भाई। और ये अपना बोरवेल है और इसको अपन ढक देते हैं यहाँ पे। और भाई इधर ये रस्सा पड़ा है और इधर ये अपने पाइप के टुकड़े पड़े और गाइस इधर ये डोरी है, डोरी को लेके जाऊंगा मैं घर। घर किस लिए लेके जाएंगे? ये जो आप डोरी देख रहे हो ना, ये दिखने में थोड़ी सी वैसी है, अगर इसको आप उठाओगे ना तो पता चल जाएगा इसमें कितना वेट है। इस डोरी की कीमत है गाइस 15,000 से 20,000 रुपये। बस बस उसमें कुछ नहीं डालना है, मीत स्कूल से आ चुका है ये, मतलब पीछे पीछे डोल रहा है, धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, बहुत भयंकर धूप। टाइम बता दो गाइस, शाम के 4:45 का टाइम हो रहा है अभी और मैं 3:30 बजे आया था। अभी ये डोरी को मैंने समेटा, इनको थोड़ा ठीक ठाक किया, मिस्त्री आया था उनको मैंने वो पंप रखवाया है और अब मैं ये डोरी को लेके चलता हूँ। स्ट्रगल बहुत है, इसको घर ले जाकर रख देंगे वरना यार ये नुकसान हो जाएगा। अभी मिस्त्री चेक करके बताएगा उसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, मोटर पंचर है या फिर वो जल चुकी है। आज नहाया नहीं हूँ क्योंकि सुबह से आज अपन थोड़ा सा काम ऐसे ही मेहनत का कर रहे थे ना, और भाई अब मैं नहाऊंगा। और नहाने के बाद मम्मी आज गई हुई है कहाँ पे, ये मेरी पॉकेट में रखा हुआ है एक हरा मटर, मम्मी गई है शीतला माता के गुड़गांव और वो भी आएगी तो उनको भी लेके आना है। और घर बना जाऊं तो कहाँ जाओगे? मेरे को थोड़ा सा तेज बोलो, मैं डोरी उठा के लाया तो मेरे को सुन नहीं रहा। और कहके घर ला जाऊं, बोल मत हो। तो कहाँ जाओगे? मैं जाऊंगा कपेश के घर। क्या करने जाओगे? खेलने। फिर कितनी देर में आ जाओगे? 5 देर में। पाँच? फिर होमवर्क कब करोगे? और मैं खेल कर जाऊंगा जब करूंगा। कितनी देर खेल का होगे ये बताओ, खांसी हो रही है आपके? जाएगी। फिर कितनी देर में आ जाओगे वो बता के जाओ मेरे को। 5 देर में। झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ? झगड़ा करते तो गंदी बात होती है। बैग लेके आ गई है यहाँ, गुड़गांव गई थी घूम के आई है, सुबह मैं छोड़ के आया था, अब मैं और नई जूती पहन रहा हूँ। अभी हो चुकी है भाई शाम और मैं मार्केट से आ चुका हूँ। अभी घर के बाहर का सीन दिखाऊं यार, ये दीपक बहुत प्यारा लगता है मेरे को, हमारे घर के बाहर जो ये दीपक जुटता है ना ये बहुत प्यारा लगता है। और भाई मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब सामने चेहरे पे फ्लैश आ रहा है ना तो मेरे को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, मतलब कि नाइट वॉक मान लो, ये अंधेरा हो गया ना बिल्कुल ही, अंधेरा हो रखा है तो नाइट वॉक ही मान लो। और भाई गादड़े इतने ज़्यादा डोलते हैं ना यहाँ पे, बहुत से ज़्यादा गादड़े। और तो गाइज अपने इसी व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।